पास में आ जाओ, वो तरीके देखा 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 देखा, ये पर्चा नहीं महापर्चा लाया लिख के, इतना तो हमने लिखा भी नहीं होगा, रिवीजन कर रहा था। पास में आ जाओ, जिसमें जो शॉर्ट हो और जो मूल हो वो बता दो, वो मिलेगा इसमें लिखा, बाकी सब नहीं मिले होंगे। बोलिए, माइक उठाइए। गुरु जी आप हमारे सपने में कई बार, माइक से बोलिए, आप हमारे सपने में कई बार आए, आप नवरात्रों में हमें 6 से 7 बार सपना दिए, सुबह के टाइम सुबह 5 बजे आपने पहली बार हमें हमारे घर पे आए थे, आपने हमें कोई मंत्र दिया था वो हम मंत्र भूल गए। सपने में आए थे, मंत्र दिया था, पहली बार आए थे जी सर, तो कहा चाहते फिर मंत्र दे दें हम? नहीं वो हम मंत्र भूल गए थे, आप हमारे घर पे भी गए थे, वहाँ हाथीबान बाबा भी आए थे। अच्छा, 6 से 7 बार, 6 से 7 बार आपने सपना दिया था हमें, ट्रेन में मिले, मंदिर पे मिले, ट्रेन में मिले, ट्रेन में भी मिले थे आपने हमें, आते हमारे घर वाले तरस रहे कि हम रोज घर आ जाएं, नहीं तो मैं ट्रेन में पहुंच गए, आपने भैया देख रहे, आपने अपने हाथ पे सांप से कटवाया था, फिर सही सांप से भी कटवा दिया इनके हाथ पे, अपने हाथ सांप ने काटा था जी, अपने हाथ पे आपने, हमने अपने हाथ में कटवाया था सांप पे, फिर वो सही करके दिखाया था आपने, मतलब सांप मतलब प्रमाण भी था कि हम गुरुजी हैं, देखो हम सांप से कटवा रहे हैं और ठीक हो रहे हैं, सही है जी सर। हाँ फिर कहा भाओ, फिर आपने हमें सपना दिया, फिर आपने हमें दरबार में बुलाया, एक कन्या का नंबर दिया था नवरात्रों, एक कन्या का नंबर दिया, शादी के लिए तो नहीं दिया था, अरे नहीं किससे बात करा करो शादी करा दूंगा, नहीं आपने कन्या का नंबर दिया था, ये बोले थे आप कोई परेशानी हो तो इस पे कॉल कर लेना, ये नंबर किसी को देना, मतलब इसका कहना है एक नंबर दिया सपने में कि एक कन्या का नंबर है, इसको फोन कर लिया करो, तुम्हारा दर्द ठीक हो जाएगा। नहीं ऐसा नहीं गुरु जी, आगे बोलो बोलो, हंसी नहीं उड़ रही तुम्हारी, ये भक्ति है, ऐसा हमको भी होता था बचपन में, लेकिन वहां तुम नहीं दिखते थे, उसमें हमारे महाराज ही दिखते थे, बस इतना फर्क है, हम तुम्हें दिख रहे हैं। हाथीबान बाबा हमारे घर पे गए थे, उन्होंने बताया हमें अंदर अपने घर में जाओ, अंदर देख के आओ, हम अंदर गए थे, हमें बीच में कुछ उसमें दिखाई दिया था, हमें क्या दिखा, सोना नहीं गुरु तो? कुछ बना हुआ था, हमें ये सही से ध्यान, हाथीबान बाबा ने कहा कि अंदर जाओ मुझे देख के आओ, उसमें गए तो एक स्थान बना था, स्थान बना हुआ था, उसपे लाइट लगी थी, लाइट लगी थी, फिर हम बाहर आए, उनसे पूछा तो उन्होंने ये कहा, अब भाई साहब शांत हो जाओ, हमें मालूम है कि उनकी कृपा है जी। अब हमने क्या लिखा सुने, आपने देखिए हमारी विचित्र पर्चा उठाया आपने, और मैं इस बच्चे को मैंने वचन दिया था, जब मैं निकल रहा था तो बोले महाराज हमें अपनी दर्द बताना है, हमें दर्शन हो रहे हैं बार बार आपके, आपने कहा था जब मैं कमरे से निकल रहा था, हॉल में धक्के खा रहा था जी हॉल में, तो मैंने लिखा क्या है सुनिए, हमारी बात सिद्ध हुई कि मैंने बुलाया आपको, आपको सपने में श्री आतिवान महाराज, पूज्यपाद गुरुदेव श्री आतिवान महाराज, गुरु शरण एवं नांग देवता एवं आपके घर में सिद्ध महाराज की दिव्य कृपा हो चुकी है, आशीर्वाद है, और आप पागल पागल टाइप नहीं है, आप पागल टाइप नहीं हो, आपको सब लोग पागल कह रहे हैं, आप पागल नहीं, आपके ऊपर भगवान की कृपा हो गई है, आपके घर की आरसी खत्म, ठीक है बेटा, लीजिए आंखें बंद करिए, खोलो आंखें, यही दर्शन हुआ था, मांग लीजिए जो मांगना चाहते हो, प्रणाम कर लीजिए, जाओ, आपके घर में एक समस्या और है, आपकी बुआओं को लाइन में मैं लगा दूंगा, जो तुम्हारी जमीन पर नियत खराब कर रखी है, और बाबा तुम्हारे गेम खेलते हैं, तुम्हारे पिताजी की संतानों को या आपको संपत्ति नहीं देना चाहते, बोलो माइक से, हाँ है ना, माइक से बोलिए जी गुरु जी, कौन परेशान कर रहा है,
चाचा चाची और दादी बाबा बुआ ये लोग। जाओ सबको लाइन में मैं लगा दूंगा, आशीर्वाद है। वो लोग ये कहते हैं तुम्हारा एक बच्चा है। इस पर्चे को लेमिनेशन करा के रखना, जो मंत्र लिखता है उस विधि को करना, हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। सोचिए कि महाराज जी जिसके लिए उठाने गए, इस बच्चे ने मुझे गेट पर ही खड़े कहा महाराज मुझे दर्शन हो रहा है, महाराज का हमने कहा बेटा मैं दरबार में बुला लूंगा, महाराज का मैं सम्मान करता हूं। और बात यह सिद्ध हुई कि एक संत ने एक संत के दिव्य दर्शन की पुष्टि की है।